सर 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 यहाँ सर 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 यहाँ सर 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 इकड़े या सर सेंटर सेंटर सर सेंटर सर सेंटर मध्ये या सर इधर 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 हाँ सर हाँ लुक यार सर लुक यार सर लुक यार सर सर इकड़े सर सर लेफ्ट 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 सर इकड़े सर 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 इकड़े सर सर नाना सर यार कैमरा कैमरा थैंक यू वेरी मच या 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 सोलो सर लेफ्ट में सर लेफ्ट में एक सेन भाई पहले इनको उसकी
they have a long association with me. So there's a bond and there's an emotion. I am a part of that. So I think we're having very good terms ahead. And I'm looking forward to that. Having fun and meeting everybody. Okay, so as they are coming up with these two OTT platforms, so we are going to see if we have any ये तो वो वही बताएगा। There are many films which are shooting for that also. So next year would be the lineup which will become. Okay, is there any Punjab coming up? Not at all. Okay, I would definitely if there is something. Sir, yeah. So as they are seeing you so many, doing so many films, so what is the best way to do it? Something which is different and challenging, maybe I have to play a character which I haven't done with a serial killer. Okay, so as you know, you Hello, mic check, 1, 2, 3. सर यहाँ पे लेफ्ट में सर यहाँ पे आ जाओ सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर इधर सर मैं इसको मैं कितने साल से कह रहा हूँ बेहतर कोई कहानी होगी बाकी का तो होते रहते हैं सर इकडे समोर सर सर समोर समोर सर 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 इकडे समोर सर सेंटर सर सर इकडे समोर ना सर सर उजवीकडे बघा टाइम्स फिल्म्स काफी ज्यादा टाइम टाइम टाइम
ज़्यादा मूवीज़ के साथ और डीडी प्लेटफॉर्म के साथ आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के इवेंट के बारे में? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा आपका प्रवीण भाई और उनकी पूरी टीम को, क्योंकि मैंने पहले उनका वो रूप देखा हुआ जब उन्होंने कितनी एक साथ फिल्में बनाते थे, वो उनके गाने संगीत सबसे पॉपुलर होते थे और उनकी सबसे बड़ी कोशिश ये रहती थी कि कुछ भी हो मेरा म्यूज़िक अच्छा होगा। वो सब हमने देखा, आपने भी एक्सपीरियंस किया है, तो अब फिर से वो आज उनके बच्चे उनके साथ में उनके साथ होके वो वापस से अपनी कंपनी को वापस मार्केट में ला रहे हैं, ये मुझे इसकी बेहद खुशी है और टाइम्स और पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मैंने इनकी पहले फिल्म में गाया भी था बंठन चली फ्रॉम कुरुक्षेत्र, तो अभी काफ़ी महीनों से हम साथ में भी जुड़े हैं, काफ़ी क्रिएटिव मीटिंग्स भी हुई हैं। ये इस तरह से इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ भी बढ़ती है जब पैशनेट लोग आते हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको कि वो ज़रा सा छोटा सा एक गैप आया और वापस वो उसी रंग रूप में उसी जोर शोर से आ रहे हैं। एंड विश देम ऑल द बेस्ट। प्रवीण शाह इज़ रियली अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन, म्यूज़िक के शौकीन भी हैं, वीरल उनके बेटे एंड एंटायर उनके जो पार्टनर्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर रियली वेरी क्रिएटिव। I will be definitely associated with them forever. Yeah, so as this company is coming up with 9 movies and 2 OTT, क्या हम आपको देख पाएंगे ये 9 फिल्मों में या OTT में? देखिए, सबसे पहली बात यही है कि बच्चे पैदा हो, जन्म होगा उसका, उसके साथ जुड़ेंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी यही काम करते हैं, पहले भी काम किया है, जब भी मौका मिलेगा दोबारा करेंगे। लेकिन जो प्रवीण भाई की जो पूरी फैमिली है जो फिल्मों से म्यूज़िक से जुड़ी हुई थी, फिल्में भले बीच में नहीं हुई लेकिन म्यूज़िक से तो जुड़े हुए थे, यही सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा फैमिली जो जिसकी जड़ें बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं वो वापस जोरों शोरों से आ रहे हैं, मुझे लगता है यही बहुत बड़ी मुबारक वाली बात है। बहुत अच्छी बात। सर कोई आपके गाने देख पाएंगे हम? डेफिनेटली। अरे कितने सारे गाने बनाए भी हैं इनके बगैर, थोड़ा मान नहीं 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 बहुत इनके साथ 3-4 महीने से कॉन्स्टेंटली मीटिंग्स हो रही हैं और एक पूरी टीम है हमारे साथ, इसमें कई म्यूज़िक कंपोजर भी हैं, सिंगर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, म्यूज़िक प्रोग्रामर्स भी हैं, तो पूरी टीम है, इट्स नॉट अ वन मैन आर्मी शो। सो मीटिंग्स में उन्होंने काफ़ी गानों को पसंद भी किया और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ग्रेसफुली कम बैक कर रहे हैं, बल्कि एक छोटा सा जो गैप था उसको वो उसी तरह से रिमेन करेंगे जैसे पहले थे। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस इज देयर एनी प्रोजेक्ट वुड यू लाइक टू शेयर? मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मुझे काम सौंपा गया है, इसलिए कभी कभी नाम नहीं याद रहते कि हाँ फिल्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अभी थिएटर खुले हैं तो काफ़ी फिल्में अभी रिलीज होंगी और उसके अलावा म्यूजिक वीडियोज़ भी इसमें देखने को मिलेंगे, टाइम में, टाइम ऑडियो में, टाइम फिल्म, टाइम वीडियोज़ में, तो म्यूजिक वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे। आई एम हैप्पी to be associated with them. I'm really very happy. Thank you so much. Thank you so much. Bye, Nev. 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 भाई स्वीट सो एज टाइम फिल्म्स आर कमिंग अप देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, 8 मूवीज एंड ओडीडी, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द इवेंट एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट? I think Time is such a prestigious company and I've seen a lot of films in my 90s, you know, and I'm really excited because they're coming up with so many projects. So it's like
it's like something we are all looking forward to, because it's such a prestigious platform, and also the kind of content they're going to come up with. We're really excited about all of that. Okay, so what do you want to say the success of RRR as it crossed 1,000 million worldwide? Yeah, that's brilliant. We didn't expect the film to cross this so fast, you know, 1,000 crores. But it's amazing because not only in India, you know, the film is getting so much love from abroad also. And I have people messaging me from the Telugu community as well as from South India, North India, America, UK. So we are really, really happy, and it wouldn't have been possible without the love of the fans. And how was the experience working with so many people around? It was brilliant because, you know, I was a little worried because there are so many big names associated, but everybody is so humble and so down to earth that we shot like a family, and it was like a brilliant experience. Thank you so much. Thank you. Sir, वीडियो सर सर लेफ्ट सर भाई सर लेफ्ट सर यहाँ ये बढ़िया फर्स्ट क्लास हाँ जी ओके सर टाइम फिल्म्स बहुत सारी अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ कहना चाहोगे आज के बारे में इवेंट के बारे में बहुत खुशी की बात है कि प्रवीण भाई बड़े अच्छे दोस्त थे हम लोगों ने साथ में बहुत काम किए हैं बहुत अच्छी दोस्ती हम लोग हमेशा मिलते रहे उस वक्त वो बीच में नहीं थे तो भी हम लोग मिलते थे और जब पता चला कि टाइम फिर से अपना टाइम आएगा टाइम आ गया टाइम का टाइम आ गया है तो बहुत बड़े पैमाने पर फिर से इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं और इससे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा हम सब के लिए अच्छा होगा और हमारी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं ओके सर ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस तरह लॉकडाउन के बाद जो जिस टाइप का क्रेज मिला है क्या कुछ देख सकते हैं बहुत अच्छा है ना सर आना चाहिए ये ट्रेंड बदला है ये बदलाव आना चाहिए अलग अलग चीज़ें हो रही हैं अलग अलग तरीके से हो रहा है नई तरीके से नई बातें हो रही हैं बहुत अच्छी बात है ये चीज़ें और इसको मतलब ऐसे लोग आने से और एनकरेजमेंट थी अपकमिंग प्रोजेक्ट आप शेयर करना चाहूँगी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट हाँ अभी कर रहा हूँ मैं फरद भाई के साथ कर रहा हूँ ओटीटी पे फरद राम जी उनके साथ कर रहा हूँ और भी कर रहा हूँ और फिर रोहित शेट्टी की फिल्में आ रही हैं सर्कस राजकुमार संतोषी की फिल्म आ रही है रेडी है अभी रिलीज पर बिल्कुल आएगा अपने घर के बारे में फैमिली है अभी आए हैं शुरू हो तो ओके जी थैंक यू सो मच समीर एक बड़ा एक
ओके समीर जी भैया टाइम वर्चुअल स्टूडियो का भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नौ मूवीज आ रही हैं, दो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्या कुछ कहना चाहोगे सर आज के इवेंट के बारे? टाइम्स ग्रुप मेरी बिल्कुल परिवार की तरह है, क्योंकि हमारे 20 साल हो गया लगभग टाइम ग्रुप से जुड़े हुए, और बहुत खुश हूँ कि टाइम ग्रुप जो है एक दोबारा फिर मतलब जो है एक ह्यूज उसके साथ में हम लोग सब अप्लॉज कर रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट और स्टूडियो। मैं टाइम ग्रुप के ईच एंड एवरी मेंबर को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसकी खूब सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और मैं बहुत खुश हूं कि ये टाइम ग्रुप मतलब हमारा अपना ग्रुप जो है बहुत अच्छे लेवल फिल्म इंडस्ट्री में और जो क्रिएटिव वर्क करने जा रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर क्या आप प्रोजेक्ट टाइम ग्रुप के साथ हम देख पाएंगे आने वाले समय? बिल्कुल बिल्कुल 100% अर्ध आ रही है और भूल भुलैया 2 आ रही है अगले एक दो महीने में, सब ये दो फिल्में देखने को मिलेंगे। भूल भुलैया 1 में काफ़ी अच्छा आपने रोल किया, क्या उस तरह का किरदार फिर से देख पाएंगे भूल भुलैया 2 में? अब वो आप लोग डिसाइड करोगे देख के, लेकिन अच्छी बनाई है, ये भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई। फिलहाल तो टाइम ग्रुप जिंदाबाद। सर सोने सवाल पूछोगे तो जवाब नहीं दूंगा। नहीं। ये कहने के ना कहने से क्या मतलब है, एक अच्छा है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सबके लिए अच्छा है, और एवेन्यूज हो गए, पहले सिर्फ फिल्में थी, फिर टीवी आया, फिर ओटीटी भी आ गया, और मोर द मेरी। और ओटीटी की बात करो, जिस तरह से रेवोल्यूशन आया ओटीटी प्लेटफॉर्म में, बॉलीवुड में काफ़ी कुछ बदलाव देखने मिला, ओटीटी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ओटीटी आ रही है, टाइम ग्रुप भी ओटीटी के साथ जुड़ रही है, ये चीज़ें वक्त के साथ होती रहती हैं। पहले लोग पैदल जाते थे, फिर आस्ते आस्ते गाड़ी आई तो बहुत बड़ी बात हो गई, उसके बाद अभी लोग प्लेन आया, फिर उसके बाद हर चीज़ें एवोल्यूशन होती है, आगे बढ़ता जाता है इंसान, तो आगे चल के और बहुत कुछ आएगा जो हम सोचा भी नहीं कभी, है कि नहीं? सर क्या आने वाले समय में आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैंने जो करना था वो कर लिया, बहुत कुछ, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, मेरी बेटी कर रही है करने से। मैं उसके काम के बारे में कुछ इंटरफेयर नहीं करता हूँ, सब कुछ उसका किया हुआ है, बाकी आई एम हैप्पी उसका शो चलता है तो मुझे अच्छा लगता है। जिस तरह से एवोल्यूशन दिख रहा है, मैं एवोल्यूशन की बात करूँ, ओटीटी में ही है लॉकअप, आप किस तरह से देख पा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता है, मैं देखता नहीं हूँ इन चीज़ों को ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ।
ओके जय माता दी। अरे आगे मत मोबाइल इधर सामने राकी जी बोलो ओके थोड़ा इधर इधर वहां पे राकी जी यहाँ पे नीचे कितनी शर्म आती है मुझे, कितनी शर्म आती है। बाइक बाइक कर फिर होता है कभी कभी। टाइम्स के साथ मैं तब से जुड़ी हूँ जब मैं छोटी थी। अली भाई आ जाओ, अली भाई प्लीज। मैं छोटी थी, मैंने एहसास फिल्म करी थी, बहुत छोटी थी मैं तभी। अली भाई कैसे हो? हेलो चेक 1 2 3 चेक। मैं टाइम्स के साथ तब से जुड़ी हूँ जब मैं घर से भाग के आई थी और स्ट्रगलर थी। और जब भी तो मुझे प्रवीण भाई ने एक फिल्म में काम दिया था जिसमें एहसास में, जिसमें सुनील शेट्टी जी थे, बहुत छोटी थी मैं, तो उसमें मैंने एक मेड का रोल किया था, मेड का, यू नो आई व्हेन आई वाज अ स्ट्रगलर, एक छोटा सा कैरेक्टर किया था। तो आई विश कि अभी 9 नहीं 10 फिल्म लॉन्च कर रहे हैं, तो आई विश कि इनकी 5 फिल्मों में तो मैं रहूँगी। 5 फिल्म्स में, किसी में सॉन्ग, किसी में कैरेक्टर्स। कल भी मैं आई थी और प्रवीण भाई से बात हुई। आई एम सो एक्साइटेड कि अब हमारा अच्छे दिन आ गए हैं, ज़माना अच्छा हो गया है। क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं है, सांस तो लेने दो, बूम कुछ ज़्यादा ऊपर है, बूम बूम। मैं इज माई ब्रदर, कम ना प्लीज, इज माई ब्रदर राजीव, इज डायरेक्टिंग, आई मीन इज प्रोड्यूसिंग ऑल्सो। वेब सीरीज़ है जो 8 एपिसोड हमारी बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बन रही है, जिसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि राजीव इज टेकिंग ऑल बिग डायरेक्टर्स एंड आई एम प्लेइंग द पूरा मेन लीड में। बट इस बार मैं कोई ग्लैम नहीं हूँ, और 8 ऐसे आप राखी देखोगे कि आपने जिंदगी में नहीं दिखा होगा। जस्ट आर्ट, जस्ट एक्टिंग, कि मैं जितना अच्छा डांस करती हूँ, क्या मैं मीना कुमारी हूँ? ऑफकोर्स उनके जैसा तो कोई बन नहीं सकता, बट मैं आज की मीना कुमारी बन सकती हूँ, ट्रेजेडी क्वीन, ट्रेजेडी क्वीन। हाल ही में आपने अपनी मम्मी के नाम से कंपनी भी चालू की, जी जी जी, गाना भी आया, आने वाले समय में क्या कुछ उसमें देखने मिल पाएगा? देखिए आज तो हम टाइम्स के यहाँ पे फंक्शन में आए हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट टाइम्स के फिल्म्स एंड उनकी सारी फिल्में। एंड आई फील कि अभी तो सब सोहिल भाई भी आए हैं, तो वाओ भाई को देख के मज़ा आ रहा है। हाल ही में RRR रिलीज हुई, आलिया भट्ट, हमने काफ़ी देखा आपकी अच्छी फ्रेंड ने, क्या कुछ कहना चाहिए आलिया? सो आज उनके लिए ये साल कितना अच्छा है, गंगूबाई सुपर हिट गई, RRR सुपर हिट गई, शादी कर रही है, वाव, हॉलीवुड जा रही है, हॉलीवुड जा रही है, और दहेज में मैं भी जा रही हूँ, उनकी बैग में बैठ जाऊँगी मैं। कश्मीर फाइल्स आई थी, आपने देखी कश्मीर फाइल्स? हमने देखा, क्या कुछ कहना चाहोगे? डेफिनेटली कश्मीर फाइल्स तो ये है कि आई लव इट, एंड ऐसी फिल्में बननी चाहिए, बिकॉज अगर कश्मीर के बारे में हमें नहीं पता चलता कि इतना बलिदान दिया गया है लोगों ने, तो शायद हमें पता ही नहीं होता। उनके डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहोगे? विवेक अग्निहोत्री, विवेक, इस तरह का कंटेंट इंडिया में लाना, पास्ट के बारे में जानना, किस तरह से देखते हो? देखिए इतिहास पे जो भी फिल्में बनी है अच्छी बनी है, तो RRR भी वैसी ही है, यू नो, एंड मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छा डायरेक्शन, और दर्शन जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली
कल मैं उनसे मिली थी यहाँ पे, और स्पेशली मैंने वो पूछा कि जो एंड का जो आपका डायलॉग्स है वो कैसे आपने इतना लंबा डायलॉग रट्टा लगाया. उन्होंने बोला दो दिन का सीन था, आधे घंटे का सीन था, बट मैंने 15 मिनट में किया. दर्शन जी ने मुझे बताया, मैंने कहा वाह, बिकॉज मैं क्लैप खुद अकेले बैठ के पहले खुद क्लैप बजाई उस सीन पे, फिर सब पूरे थिएटर ने बजाया था. आपका नया लुक आपने लिया है कि हाल ही में ये लुक आपने लिया है, क्या इसे सरप्राइज? मेरा नया लुक एकदम सरप्राइज है, और मैं मेरा कुछ नया आने वाला है, वो तो आपको 13 तारीख को पता चलेगा मेरा. तो ये मेरे ट्राइबल जो लुक्स है ना, वो मेरे सॉरी नए वीडियो के लिए है, जो मैं आपको 13th को मैं बताऊँगी, जो लॉन्च है. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, यहाँ पे आई हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है. दो साल तो घर में बंद एकदम बोर हो गए थे. पहले तो मैं कभी पार्टी नहीं जाती थी और कहीं कभी फंक्शन में नहीं जाती थी, लेकिन अब मैं जाती हूँ बिकॉज आई लव इट. थैंक यू. पूरा मुंह में जा रहे हो आप, थोड़ा स्लो चलना राखी जी, मैं मुंह में नहीं जाने का, राखी जी स्लो मोशन में आइएगा. ये कैमरा पीछे लेना यार, आते रहो इंडिया. अरे हूं बोले थोड़ा पास, आज पहुंच रहा है, आज पहुंचाऊंगी क्या? थैंक यू. अरे हमारा वीडियो बन गया ना यार, चलो बाय राखी जी. इधर इधर ओ ओ यार, एक सेकंड फिर कैमरा आप जल्दी जल्दी लेब में मैम, लेब में मैडम जी, लेब में ईशा मैडम, लेब में भाई टाइम ग्रुप के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, मैं प्रवीण भाई को सालों से जानती हूँ, अक्षय कुमार बोले या सुनील शेट्टी बोले, करिश्मा कपूर बोले या गोविंदा बोले, हर किसी के साथ वो सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं. और इनका री लॉन्च है, वो वापस दोबारा फिल्मों में, ही इज़ वेंचरिंग आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम. ही वॉज इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, आई वॉज इन टच विद हिम. प्रवीण मैं तो बहुत सालों से जानती हूँ. अब टाइम क्या है? आई डोंट नो द मूवी इज देयर डूइंग, बट यस आई हैव 5 रिलीजेस दिस ईयर विद एमएक्स प्लेयर एंड विद अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. एक मेरी धानव अभी 14th को रिलीज हो रही है, आरजीवी प्रेजेंट्स, इट्स एन आरजीवी प्रेजेंटेशन विद एमएक्स प्लेयर. उसके अलावा 2 फीचर फिल्म्स हैं. पैंडमिक के दौरान जो शूटिंग हुई थी, धीरे धीरे लॉकडाउन में शूटिंग बंद हुई थी, फिर लॉकडाउन जब खुला तो शूटिंग स्टार्ट हुई थी, वो सब अभी
एक के बाद एक रिलीज हो रहे हैं फॉर्चुनेटली. आफ्टर द पैंडेमिक द ओटीटी प्लेटफॉर्म हैज डन सो मेनी थिंग्स. जिस तरह से ग्रोथ देख रहे हो, हाउ डू यू सी द एक्चुअली थिएटर्स बंद होने की वजह से और डिजिटलाइजेशन की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म काफ़ी ये एक ही जरिया था, एक ही मीडियम थी था जो जिसके वजह से लोग एंटरटेन हुए एंड ग्रेट. उस पर कॉन्टेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग एंड इन एनी वे वे कॉन्टेंट इज किंग विच इज़ ग्रेट. और लोगों को बहुत काम मिल रहा है, जो पैशनेट एक्टर्स हैं उनको भी काम मिल रहा है. कॉन्टेंट दैट इज़ प्रॉबली ऑनेस्टली मैंने एक्सप्लोर तो मेरे करियर की शुरुआत में ही किया था. मैंने कुछ ऐसे रोल किए हैं जो एक्सपेरिमेंट ही आप कह सकते हो, जो आज लोग कर रहे हैं. मैंने शायद 20 साल पहले मैं कर चुकी थी. मैंने करियर की शुरुआत ये गाने से की थी, फिर एक हॉरर फिल्म में काम किया था, फिर नेगेटिव लीड किया था. शायद ही कोई हीरोइन ऐसे अपना करियर स्टार्ट करती है, बट आई लव डूइंग दैट क्योंकि मेरे जो रोल्स हैं लोगों ने पसंद किए हैं, उसको सराहा है. मतलब कोई भी एक रोल हो, या उर्मिला मातोंडकर हो क्या कूलम में, या वो भूत हो जो कृष्णा कॉटेज में थी, या एक विवाह में जो चांदनी थी, हर एक रोल लोगों को पसंद आया है. तो एक एक्टर और क्या चाहेगा कि एवरी रोल ऑफ हर्स और हिज इज़ एंडियरिंग एंड पीपल टेक दैट कैरेक्टर होम. तो वही हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. अब ओटीटी ऑफ कोर्स हम सब एक्सप्लोर कर रहे हैं. बहुत एक्टर्स उनके जो थिएटरिकल रिलीजेस थे वो ओटीटी पे रिलीज हो गए बिकॉज ऑफ द पैंडमिक. सो इट्स ग्रेट. आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ रिलीजेस एंड अ लॉट ऑफ ओटीटी वेब शोज. थैंक यू सो मच. ठीक प्रवीण भाई है सबके भाई और मैं यही इनको विश करता हूँ कि इन्होंने जो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है उस वक्त जब हम सब असिस्टेंट थे और ये जो बहुत बड़ा बोलते ना क्या 5 डेज टेस्ट जो होता है वो ही क्रिकेटर को खिलाड़ी को हम मानते हैं. ये 5 डेज का खिलाड़ी है और आई विश टाइम ऑडियो वीडियो द बेस्ट टाइम एवर मेरा भाई है. सो कैन वी सी यू इन वर्किंग विद सर. अरे अगर हमारी फैमिली थोड़ी है वही है क्या हमारा रिश्ता ऐसा है कि काम करे ना करे हमेशा प्यार रहेगा. इनकी फैमिली में 3 भाई है, 14 भाई मैं हूँ. इनका परिवार में मोबाइल यार
लेफ्ट में सर सर लेफ्ट में सर लेफ्ट में टाइम ग्रुप एक आइकन है, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में. दे इट्स अ कंपनी विच हैज़ इनोवेटेड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स और बेसिकली लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट वर्क इन द कंपनीज एंड ऑल दैट. मुझे पता है कि ये जो नया पूरा सेटअप टाइम ने खुला है, प्रवीण भाई उनकी पूरी फैमिली, इट विल बी अ मेजर सक्सेस एंड आई रियली विश देम all the very best and great success. And they are also coming up with the OTT platform. So how do you see the OTT revolution in our film industry? You see, OTT platforms have really done great in this country of ours, and it's given a lot of job opportunities to a lot of people. The stuff which has been created, young talent has come in, and the entire perspective of watching films and shows has changed. So it's a revolution, and I'm sure Time Group will definitely be a part and parcel of this great revolution of the country. Can we see your collaboration with Time in future? See, Time is a family to me. Praveen Bhai, an entire family. We have grown up watching their work or looking at their contribution to the entire field of entertainment. So they are masters. So anybody would like to work with them. It's not only me, and they know the job, they know the industry, they know the basic essence of the industry. So it'll be always a pleasure, and it'll be really a pleasure to anyone to work with them or get associated with them. Thank you, sir. Thank you. Right, please, right. Right away.